दोस्तों हम लोग नर्सरी जाते हैं और वहाँ से प्लांट्स खरीदते हैं, सीड्स खरीदते हैं और उसी को ही अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ सीड्स है जिनको हम घर पर ही पा सकते हैं और वो भी हमारे किचन वेस्ट यानी कि जो करेला होते हैं उसको हम ले लेते हैं लेकिन उसके सीड्स को हम फेंक देते हैं। उसी तरह पम्पकिन को भी लेते हैं और उसके सीड्स को हम फेंक देते हैं। कोई कोई टमाटर अगर गल जाते हैं तो उसको भी फेंक देते हैं और चिलीज़ के जो एक्स्ट्रा सीड्स होते हैं वो भी हम फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब से मत फेंकिए क्योंकि इसी फेंके हुए चीज़ों को ही अगर आप गार्डन में लगा देते हैं तो आपके गार्डन में भी मेरी गार्डन की तरह बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स होगी। ये जो पम्पकिन को आप देख रहे हैं इसको भी मैंने मेरे बाज़ार से खरीदी हुई पम्पकिन की जो सीड्स है वो मैंने फेंक दी थी, उसी को ही सुखा कर ये प्लांट तैयार की है। और सीड्स को सुखा कर किस तरह से न्यू प्लांट ग्रो करना है अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पर दिखाई है किस तरह से सीड्स से पम्पकिन की प्लांट को ग्रो करना है। और ये जो पम्पकिन आप देख रहे हैं ये भी मैंने सीड से ग्रो की है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप समझ ही गए हैं, बिना पैसा खर्च करके किस तरह से आप आपके गार्डन में वेजिटेबल्स की प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं गार्डन में वेजिटेबल्स, और वो भी एकदम 100% फ्री में। ये जो एशगार्ड की प्लांट आप देख रहे हैं ये भी मैंने मेरे बाज़ार से लाए जो एशगार्ड थी उसको तो हमने खा ली है लेकिन उसके सीड्स को मैंने रख दी थी और उसी को ही सुखा कर मैंने यहाँ पर पॉट में लगा दी। तो उसी सीड की पौधे से ही ये इतने अच्छे प्लांट बने हैं और प्लांट में देखिए एशगार्ड भी बने हैं। तो ये एशगार्ड भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल बने हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं किस तरह मैंने बिना पैसा खर्चे मेरे गार्डन में इस तरह की प्लांट ग्रो करती। इस एशगार्ड के साथ जो मलाबार स्पिनच आप देख रहे हैं ये भी मैंने इसकी रूट कटिंग से ही ग्रो की है। तो आप लोग भी रूट कटिंग से मलाबार स्पिनच को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो टमाटर की प्लांट आप देख रहे हैं इसको भी मैंने इस किचन वेस्ट से ही तैयार की है। जो टमाटर गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं उसको मत फेंकिए, उसी को ही आप अपने गार्डन में जगह दीजिए तो देखेंगे आपको वो कुछ दिन बाद ही इतनी अच्छी फ्रूटिंग देगी। और जो किचन वेस्ट है उसको बिल्कुल ही मत फेंकिएगा और क्योंकि ये किचन वेस्ट ही आपकी कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र की काम करेगी जो आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी। और वो आप किस तरह तैयार करेंगे उसके लिए मेरे वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी कि किस तरह से आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये जो चिलीज़ की प्लांट्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने इसकी फेंके हुए सीड से ही तैयार की है। तो देखिए कितनी अच्छी इनमें चिलीज़ भी बने हैं, तो आप भी ये काम ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से इसकी सीड्स को स्टोर करके रखिए और उसको गार्डन में लगा दीजिएगा तो देखेंगे आपके गार्डन में भी ये इतनी अच्छी ग्रो हो जाएगी। और ये जो करेले की प्लांट है ये भी मैंने एक ही तरह से ग्रो की है। करेला को मैंने ले ली है और उसके सीड्स को मैंने फेंक दी थी और उसी फेंके हुए सीड्स को मैंने गार्डन में लगा दी थी। तो देखिए कितनी अच्छी इनमें फ्रूट्स भी बने हुए हैं। और ये जो करेले की प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मैंने बैंगन की जो पॉट है उस पर ही छिड़क दी थी। तो देखिए कितनी अच्छी करेले की प्लांट भी ग्रो हो गए हैं और बहुत सारे करेला भी होते हैं। तो दोस्तों देखे हैं हम नर्सरी से सीड्स परचेस किए बिना ही कितने सारे वेजिटेबल्स अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और वो भी एकदम फ्री में, और जो हम फेंक देते हैं उसी चीज़ों से ही गार्डन में न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और उनमें से वेजिटेबल्स पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी।
तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।